द रिपब्लिकन टाइम्स। खबर ही नहीं, विश्लेषण भी। सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं रिपब्लिकन टाइम्स, मैं रजीउर रहमान। बिहार में पिछले कुछ माह से बिहार पुलिस द्वारा चलाई जा रही मुहिम ऑपरेशन मुस्कान से वैसे लोग जिनके मोबाइल किसी कारणवश गुम हो गए हो, या किसी ने चोरी कर ली हो, या फिर चिंतेई का शिकार हो गए, ऑपरेशन मुस्कान के तहत उन तमाम लोगों के मोबाइल को बरामद कर उनके असल हकदार की पहचान कर उन्हें सौंपा जा रहा है। बिहार पुलिस की इस मुहिम से आम आवाम में पुलिस की एक अच्छी छवि बन रही है। इसी सर, ये बहुत बड़ा अच्छा पहल किए हैं कि हमारे यहाँ जो कहीं मोबाइल खो जाता है या किसी के द्वारा छीन लिया जाता है, इसको थोड़ा विलम्ब ही क्यों नहीं हो, लेकिन ये बरामद जो किए हैं ये बहुत बड़ी पहल हुई और हम आशा करते हैं इस तरह काम हमारे प्रशासन लगातार रूप से करते रहें। क्या नाम हो? रुद्र नारायण यादव। मेरा मोबाइल गुम हो गया था, मैंने आवेदन दिया था थाना में और मधेपुरा के पुलिस टीम द्वारा मेरा मोबाइल हमको खोज करके अपने सही मालिक को तक पहुंचाया गया। इस सब चीज़ के लिए मैं अपने मधेपुरा टीम के जितने भी थाने की टीम हैं उन सबको धन्यवाद बोलता हूं, उन्होंने मोबाइल खोज के सही मालिक को पहुँचाया। क्या नाम हुआ? सागर कुमार। मुहिम के तहत आज मधेपुरा सदर थाना में मधेपुरा पुलिस ने गुम हुए 22 मोबाइल को बरामद कर लोगों के चेहरे पर खुशी लाने की कोशिश की है। पुलिस की इस पहल से लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि बिहार पुलिस की यह एक अच्छी पहल है। मालूम हो कि ऑपरेशन मुस्कान के तहत आज मधेपुरा पुलिस ने अपनी टेक्निकल सेल की मदद से मधेपुरा जिला के कुल 22 लोगों के गुमशुदा मोबाइल को बरामद कर उनके असल हकदार को सौंप दिया है। सदर थाना परिसर में आज सभी 22 लोगों को बुलाकर मधेपुरा एसपी राजेश कुमार ने अपने हाथों से उन सभी लोगों को मोबाइल सौंपा है। एसपी राजेश कुमार ने इस दौरान महेंद्र प्रताप सिंह, रमेश कुमार, आशीष कुमार, सागर कुमार, अरविंद कुमार, कुमार किशोर, ऋतिक रोशन, हरिराम कुमार, दीपक कुमार, आनंद कुमार, रवि कुमार, अमित कुमार, चंद्रशेखर, प्रिंस कुमार, अमित कुमार और रुद्र नारायण यादव सहित कुल 22 लोगों को उनका खोया हुआ मोबाइल सौंपा। मधेपुरा एसपी ने बताया कि ऑपरेशन मुस्कान के तहत बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्देश दिया गया है कि किसी भी वजह से गुम हुए मोबाइल को बरामद कर उनके असल मालिक को सौंप कर उनके चेहरे पर मुस्कान लाना है, इसलिए इस मुहिम का नाम ऑपरेशन मुस्कान रखा गया है। एसपी राजेश कुमार ने बताया कि इस मुहिम के तहत पूर्व में भी मधेपुरा पुलिस ने कई दर्जनों लोगों के गुम हुए मोबाइल को बरामद कर लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है। आज भी 22 लोगों को मोबाइल सौंपा गया है और आगे भी इस मुहिम को जारी रखा जाएगा। एसपी ने बताया कि पुलिस की इस काम से पब्लिक में पुलिस की छवि अच्छी बनती है और लोगों का विश्वास भी पुलिस के प्रति बढ़ता है। एसपी राजेश कुमार ने बताया कि कोसी रेंज के नए डीआईजी मनोज कुमार की भी यही कोशिश है कि आम आवाम के बीच पुलिस की छवि बेहतर से बेहतर बने और लोगों का पुलिस के प्रति ज्यादा से ज्यादा विश्वास बढ़े, ताकि आम आवाम के सहयोग से जिला में अमन को कायम रखने में मदद मिले। बिहार पुलिस की इस मुहिम पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। निर्देश हम लोगों को पहले से प्राप्त है कि जिनका मोबाइल खो जाता है उसको हम लोग ढूंढ करके उसको वापस कर दें। इन कार्यों से उन लोगों को काफ़ी खुशी मिलती है और खुशी का मतलब उनके चेहरे पर मुस्कान आता है, इसी कारण इसका ऑपरेशन का नाम, इस मुहिम का नाम ऑपरेशन मुस्कान रखा गया है। पहले भी हम लोगों ने ये काम किया था, फिर से आज हम लोग ये काम कर रहे हैं। कुल 22 मोबाइल हम लोगों ने जो खो गया था, किसी तरह से गुम हो गया था, उसको टेक्निकल तरीके से अनुसंधान करके हमारे टेक्निकल टीम के जो सदस्य हैं उन लोगों ने मेहनत करके इस खोए हुए मोबाइल को खोजा और आज हम लोग मकर संक्रांति के अवसर पे सभी को बुला करके उनका मोबाइल को हम लोग वापस कर रहे हैं। दरअसल इससे पुलिस की भी छवि अच्छी होती है,
और लोगों का विश्वास भी पुलिस के प्रति बढ़ता है। अभी हमारे कोसी क्षेत्र के DIG सर भी आए थे, श्री मनोज कुमार जी, उनका भी इन्हीं चीज़ों पे जोर है कि पब्लिक का विश्वास पुलिस जीते, पुलिस के प्रति लोगों में आस्था आए और एक फ्रेंडली बिहेव, एक फ्रेंडली वातावरण तैयार हो और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक पुलिस से जुड़ सके। तो मैं समझता हूँ कि पुलिस का जो यह कार्य है उस इस दिशा में बड़ा ही सहायक साबित होगा और इससे पब्लिक की जो नज़र है, विश्वास है, वो पुलिस के प्रति अच्छा होगा और हमें भी पब्लिक से फिर सहयोग प्राप्त करने में कठिनाई नहीं होगी। वैसे मधेपुरा की पुलिस की पब्लिक बहुत ही शालीन और समझदार है, हमें सबको पुलिस रही है और हमें पुलिसिंग में पब्लिक से काफ़ी सहयोग मिलता है, इसलिए हम भी कुछ पब्लिक के लिए कर पाते हैं तो हमें भी उतनी ही खुशी होती है जितने उन लोगों को खुशी होती है। अगर उनके चेहरे पे मुस्कान है तो हमारे दिल में भी काफ़ी आज खुशी हो रही है कि मैं कुछ लोगों को अपने कार्यों से, पुलिस अपने कार्यों से कुछ लोगों को खुश कर रही है, उनके मुस्कान को चेहरे पर ला रही है। आगे भी ये अभियान जारी रहेगा, ये अभियान निरंतर चलते रहेगा, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है क्योंकि आए दिन तो हर आदमी के पास में मोबाइल हो गया है तो किन्हीं किन्हीं कारणों से हो जाता है, गुम हो जाता है, चोरी हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग ये ऑपरेशन को सतत चलाते रहेंगे और जब जब भी हम लोग बरामद करेंगे इसे मोबाइल का, इसी तरह का आयोजन करके पुनर्वितरण पुनः फिर से हम लोग वितरण करेंगे। सर, इस अभियान के तहत इससे पहले